हम मानते ही नहीं, इतना ओवरटेक करते हैं ना कि। तो ये है हमारे सनी देओल। हाँ याद रखना, यहीं पे अपना यूट्यूब स्टूडियो भी यहीं बनेगा। रात की स्क्रेच मार देते हैं, देख सकते हैं पूरा लंबा सा पूरा ये स्क्रेच है ना, ये जितने खीसे हैं कुछ कांच वांच। तो चलिए पूजा वूजा करके आते हैं। कुछ ऐसे शुरुआत हो रहा है अभी सो के उठा हूँ और टाइम हो रहा है अभी 6 बज गया। चलो जाते हैं, घूम जाते हैं, कल वीडियो खराब हो गया उठो। तो सीरियसली अभी उठ गया मैं, गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा खाने के बाद ना जस्ट नींद आ जाता है, मैं सो गया था। वैसे भी कल का जो ब्लॉग हमारा फॉर्मेट हुआ है उसका दुख मनाते मनाते रात भर जगा था मैं। तो चलिए आज कुछ नया करते हैं और चलते हैं, दिखाते हैं आपको कल वाला जो शूट नहीं हो पाया था वो आज करेंगे। सीट कितना ज़्यादा आगे रख पीछे मतलब आगे रखते हैं भैया, थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि कल ड्राइव भैया करते हुए गए थे तो मैं तो कल गया नहीं था। चलिए चलते हैं मंदिर के दर्शन करेंगे। तो मेरे जो कॉल आ गया था, तो देखो मेरे घर का जो रास्ता ना इतना ख़राब है मैं क्या बताऊँ। यहाँ के सरपंच वरपंच कुछ ध्यान नहीं देते इस साइड, क्योंकि ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। हमारा ही घर है और एक दो घर और हैं क्योंकि सबसे लास्ट में बना है ये घर। देखना आगे कितना ज़्यादा ख़राब है रास्ता। गाना सुन रहे हो? तो ये तीन बालक बैठे हुए हैं यहाँ पे जो मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है, और जिस घर में बच्चा रहेगा ना उस घर में इधर उधर चीज़ें इधर उधर रहता है कार में और घर में, क्योंकि सब वो इधर उधर बिखरा देते हैं। और देख सकते हो झूला झूल रही है पूरा गाड़ी। आम गिरा रहे हैं इन लोग। तो भाई ये है मेन रोड और ये जो ज़मीन देख रहे हो ना 17 डिसमिल है, इसको अभी पापा लोग खरीदे हैं। तो यहाँ पर कुछ बिजनेस भी डालना है। मेन जो 4 लाइन आने वाला है ना वो रोड रायपुर से राजिम जो मेन रोड यही है। चलो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ इसको। तो कुछ यहाँ पे है सामने में जस्ट ये जो रोड है बनते आ रहा है अभनपुर साइड से, और ये वाला वो ज़मीन है जो बोल रहा हूँ 17 इसमें। इसमें मेरा भी कुछ बिजनेस डालने का प्लान है क्योंकि मेरे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है। और हाँ याद रखना, यहीं पर अपना यूट्यूब स्टूडियो भी यहीं बनेगा, इतना आप देख लीजिए। तो चलिए अगले लोकेशन में चलते हैं, अब रिवर्स लेते हैं। आगे और गांव है, मेरा गांव बहुत बड़ा है लेकिन अभी दिखा नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा गांव है और ये ना अभनपुर में जुड़ने वाला है क्योंकि 2 ही किलोमीटर है अभनपुर। तो आगे इन फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, देख सकते हो रोड बनना चालू हो गया है। और आगे जोशी अंकल का रेस्टोरेंट भी पड़ता है, ये जो देख रहे हो दिखाता हूँ। पिछले ब्लॉग में मैं थोड़ा सा क्लिप डाल दिया था, आप ध्यान दिए होगे। तो ये है अर्बन रसोई, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, खाना लाजवाब मिलता है और होटल भी है। तो मेरा गांव इतना भी वो नहीं है, पिछड़ा हुआ ठीक ठाक है। और ये गाय माता जी थोड़ा साइड से, हाँ पेट्रोल पंप भी है यहीं पे गांव में। अरे सारे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं सारे लोग, हम लोग भी बनाएंगे ऐसे कुछ, देखते हैं किस पर्पज़ से बनाना है अपन को। अभी तो सिर्फ घेरा करवा रहे थे। तो आपको नहर दिखाता हूँ आगे मैं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ना वो राजिम रोड है, राजिम फिंगेश्वर, और ये जा तो इधर पूरा काम चल रहा है, नहर है देख सकते हो अभी भी बहुत। तो अभी अपन न्यूटन लेते हैं और फिर वापस ले जाते हैं। तो मैं आपको बोर्ड ही दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ जाता है। राजिम जाता है गरियाबंद और देवभोग से, कि गरियाबंद तो जिला है दोस्तों इधर का। पिछले साल मैं यहाँ पे एक वीडियो बना डाला था, बच्चे लोग आम बेच रहे थे। एक टाइम में अपने पास भी वेगन आर था जो कि जा रही है। कई लोग ना मानते ही नहीं, इतना ओवरटेक करते हैं ना कि पूछो ही मत, सामने कितना बड़ा गाड़ी क्यों ना रहे। इन प्रोसेस न्यू फ्लैट में। और इस भैया यहाँ जवारा बोए हैं तो यहाँ चल रहे हैं, माइक वाइक लगाए हैं।
और इस स्कूल में मैं पढ़ाई किया हूँ 8th स्टैंडर्ड तक। इसके बाद ही मैं दुर्ग गया हॉस्टल में प्री मैट्रिक। तब तक मैं इसी स्कूल में पढ़ाई किया हूँ दोस्तों। बहुत बड़ा ग्राउंड भी है देख सकते हो। तो मेरे गांव के लोग ना थोड़ा अजीब टाइप हैं, कैसे बताऊँ, जैसे कि यहाँ ना कॉम्पिटिशन करते हैं। अच्छी बात है कॉम्पिटिशन करना, लेकिन ना चीज़ों को लेके, जैसे कि अपन पल्सर ला दिए तो पूरा गांव पल्सर ला दिया, जैसे अपन कार ला लिए तो सारे गांव लोग कार लेने का मतलब चस्का चढ़ जाता है। अगर ट्रैवल एजेंसी खोल दिए हम लोग तो उन लोग भी कार ले लिए सेकंड हैंड, जैसे भी किस्त विस्त में, और फिर अपन भी डाल दिए उन लोग भी। तो ऐसा मतलब देखा सीखी ज़्यादा करते हैं बिजनेस को लेके। तो ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा था। हनुमान मंदिर है और जस्ट सामने 200 मीटर भी नहीं है, और देख सकते हो यहाँ पे कर्रा बागी मंदिर है जहाँ मैं कल आया था, दर्शन वर्शन सब किया था, सब वीडियो बनाया था। लेकिन तो ये कुछ है मंदिर यहाँ का, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, जितने लोग ट्रैवल करते हैं तो उन लोग रुक रुक के दर्शन ज़रूर करते हैं। तो ये मंदिर है, देखो उधर चल रहा है, जितने लोग बैठे हैं और भजन कर रहे हैं, वापसी में यहाँ दर्शन करते हुए जाएंगे दोस्तों। तो ये है जयोदय नगर, बहुत फेमस स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। चलो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। बाहर बाहर से पढ़ने आते हैं यहाँ के, जितने अभनपुर के कॉलोनी के लोग हैं ना, टीचर्स कॉलोनी के अच्छे अच्छे लोग, वो यहीं पढ़ाते हैं जयोदय नगर में। बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है यहाँ, इंग्लिश मीडियम भी है सारे। और देखो कितना बड़ा स्कूल है अभी जो ये बन रहा है, पहले तो उधर था। मैं आगे वीडियो में दिखाता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ का स्कूल ड्रेस का रंग भी इसी फॉर्मेट में है, दोनों कॉम्बिनेशन में। और ये है जयोदय नगर, जयोदय नगर बोलते हैं मतलब यहाँ के जितने भी बिल्डिंग्स हैं और कम्युनिटी ऑफिसेस हैं। और ये है यहाँ गार्डन वार्डन सब सारे चीज़ हैं, और वहाँ पर क्रिश्चियन का मूर्ति है, और ये अस्पताल भी है ना यहाँ, और बसेस वसेस उधर खड़े हैं। ठीक है, देख रहे हो गाड़ी से जब गिट्टी में जब मुड़ता है तो कैसे आवाज़ करता है। तो ये है देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये जो बना है स्टैच्यू। तो जल्दी से एक फोटो क्लिक कर लेते हैं उतर के, जैसा है। काफी दिनों बाद आया हूँ मैं यहाँ। तो इधर लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड स्कूल है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। मैं तो अंदर ज्यादा गया नहीं हूँ, बहुत साल हो गए देख सकते हो। ये है प्लेग्राउंड, यहाँ सारे खेल कूद होते हैं। मेरे को ना बचपन से ही एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद था, जो मैं चीज़ देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि उस चीज़ को मैं सोशल मीडिया में इनएक्टिव रह के शेयर करूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, कहाँ ट्रैवल, क्या फूडी, मतलब मेरे बहुत सारा ये सब करना अच्छा लगता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं कहीं जा नहीं रहा था, मैं वीडियो में पहला वीडियो में बस बताया था जैसे कि, लेकिन अब फिर से चालू करूँगा मैं और कंटिन्यू वीडियोज़ दूँगा आप लोग को। तो ये है यहाँ पे शनि देव जी का स्थापित किया गया यहाँ पे मूर्ति। मैं जब भी इधर आता हूँ तो एक बार निकल के वहाँ पे दर्शन जरूर करता हूँ, चाहे कितनी भी जल्दी में रहूँ। वैसे तो मैं इधर आता नहीं हूँ ज़्यादा, फिर भी चलो। तो देख सकते हो इसमें तेल चढ़ाया जाता है हर शनिवार को, यहाँ के जितने भी कॉलोनी में लोग रहते हैं ना उन लोग चढ़ाते हैं। और कुछ ऐसा है कौवा है वो देख सकते हो। तो ये है हमारे शनि देव। हाँ, और यहीं पे ना हम लोग का सतनाम भवन है, देख सकते हो वो झंडा लहरा रहा है, ये पूरा हमारा सतनाम भवन है। तो जितना भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है यहीं होता है। मैं जूम करके एक बार दिखाता हूँ, वो है हम लोग का झंडा लहरा रहा है वहाँ पे। और ये मेन रोड है देख सकते हो, और आगे आपको कहाँ जा रहा हूँ दिखाता हूँ मैं। ये सारे कॉलोनी है यहाँ पे, किराए से रहते हैं जितने भी सर्विस करने आए हैं ना बाहर से, उन लोग रहते हैं। और यहाँ अभी सब टहल रहे हैं अपने बच्चों के साथ देख सकते हो। तो ये पापा के दोस्त थे वो ख़त्म हो गए, उनके बेटे लोग अभी दुकान को चला रहे हैं ये वाला साइड वाला। और ये जितने सारे सर्विस या अलग अलग बिजनेस करने अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो डॉगी इतना प्यारा है। मैं भी रखूँगा करके सोचता हूँ तो घर में मना कर देते हैं खरगोश बस को पाल करके, मेरे एक डॉगी का बहुत ज़्यादा शौक है। तो कल मैं इधर सारा चीज़ कवर करके वीडियो बना चुका था, जितना भी अभी शूट किया हूँ ना आप देखे, वो सब चीज़ मैं बना चुका था, वो सब सारा एडिट करने के बावजूद फॉरवर्ड हो गया मेरे से गलती से। तो क्या बताऊँ, कल तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ इसी चक्कर में, नींद ही नहीं पड़ा, इतना मेहनत से बनाया था और फिर डिस्ट्रॉय हो गया वो। तो ये मैं ग्राउंड आ गया जिसमें मैं अक्सर आता हूँ, अक्सर जब भी मैं खाली रहता हूँ यहाँ आता हूँ, रनिंग लगाता हूँ, या जितना भी मेरे शूट वूट करना रहता है छोटा मोटा रील या कार्स का, या मैं रिव्यू करता हूँ कार का तब भी यहीं आता हूँ,
और किसी गाड़ी वाड़ी चलाना सिखाना रहता है तब भी मैं यहीं आता हूँ, तो ये ग्राउंड मेरे लिए बहुत फेवरेट है। अभी खाली है, वैसे तो भीड़ रहता है यहाँ, तो तीन लोग उधर बैठे हैं तो गाड़ी यहीं रोक लेते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं बाहर निकल के। मतलब पता नहीं चलता आप लोग से बात करते करते वीडियो इतनी लंबी कैसे बन जाती है, 5 मिनट का मैं शूट कर चुका हूँ अभी। तो देख सकते हो यहाँ निकलने से कितना सुकून लग रहा है, शांति मस्त। हालांकि पेड़ पौधा ज़्यादा है नहीं इधर, फिर भी अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ के। तो ये सब छोटा मोटा डेंट देख रहे हो ना रोड में, ये मैं ही किया था, क्योंकि यहाँ पे मैं ड्रिफ्ट मारता था ना तो गड्ढा हो चुका है। ये देख सकते हो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बारिश के होने के बावजूद। तो ये मैं बहुत ज़्यादा यहाँ मस्ती करता था गाड़ी ला के अपना 220 में, और कार के साथ भी किया हूँ, वीडियोज़ देखे होंगे मेरे इंस्टाग्राम में जाके। लेकिन जब वो वीडियो घर में देखे ना सोशल मीडिया में, तो तब से मेरे बोल दिए हैं कि ऐसा नहीं करना है करके। मतलब मेरे को ऐसी एकदम अकेले ना एकदम सुनसान जगह में आके ना बैठना मेरे को पसंद है, एकदम भीड़ भाड़ जगह से मैं ना मेरे को एकदम इरिटेटिंग होता है। तो मेरे आँख में डार्क सर्कल आना हो गया है देख सकते हो, क्योंकि आजकल मैं नाइट में जगता हूँ, क्या क्या सोचते रहता हूँ, नींद पड़ता नहीं है मेरा, क्या बनाऊँ वीडियो, क्या चीज़ कहाँ जाऊँ, अभी कहाँ का वीडियो बनानी है, ये सब सोच सोच के ना मैं रिसर्च करते रहता हूँ यूट्यूब में, तो पागल हो जाता हूँ सच में, मैं क्या करूँ समझ नहीं आता है। क्योंकि जितना मैं मेहनत किया एक साल में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना, इसलिए दिमाग जो है ख़राब हो गया है भाई, इतना आना क्यों बजा रहे हैं। तो मैं आज ही की ब्लॉग में बता देता हूँ कि मेक मेरा दोस्त है जो कि मैं 12th 11th साथ पढ़े हैं, तो कल मैं उसके पास जा रहा हूँ और कल उससे मिलवाऊँगा भी यूट्यूब में आपको वीडियो के जरिए। वो और मेरा बहुत अच्छा बनता है और एक दूसरे को सजेशन देते रहते हैं हम लोग, तो कल मैं वहाँ जा रहा हूँ मॉर्निंग में मिलूँगा। तो कल मैं चांद का भी वीडियो बनाया था बहुत कुछ देख सकते हो कुछ ऐसी, और कल एयरक्राफ्ट का जो एरोप्लेन है उसका टेक ऑफ भी दिखाया था मैं, बहुत नज़दीक से जाता है इधर से, क्योंकि यहीं पे माना है, यहीं पे माना है और ये तो पास है, तो एकदम जब टेक ऑफ करता है ना तो एकदम नज़दीक से चढ़ता है। अब भाई जहाँ भी अगर कहीं जा के गाड़ी को अगर खड़े कर देते हैं ना तो स्क्रेच मार देते हैं, देख सकते हो पूरा लंबा सा पूरा ही स्क्रेच है ना, ये जितने घिसे हैं कुछ कांच वाँच से। तो ऐसा क्यों करते हैं, गाड़ियों के साथ क्या दुश्मनी है भाई, दुश्मनी दिखाना है तो इंसान के साथ दिखाओ, हमारे साथ है ना, पूरा मतलब गाड़ी को घिस डालते हैं ऐसी करके। कहीं पर भी स्क्रेच देखता हूँ मैं ना, मेरा जी एकदम जल जाता है, मैं क्या ही बोलूँ। ऐसे सामने को ऐसे यहाँ कोई मार दिया है देख सकते हो, यहाँ पे डेंट पड़ा हुआ है, इसको अभी तक बनवाया नहीं, पर एक यहाँ भी है थोड़ा सा, ये देखो। तो गाड़ी के साथ क्या दुश्मनी निकालना भाई, क्या चीज़ से जल रहे हो भाई, क्या चीज़ से जल रहे हो, आपके भी दो पैर हैं, दिमाग है, कान है, सब चीज़ तो बराबर है, आप भी कमा लो पैसा, क्या क्या मतलब, क्या चीज़ का जलन, मतलब समझ नहीं आता मेरे को। चलो भाई आपके पैसे से पेट्रोल डला के हम घूम रहे हैं तो पता चलता है, हाँ भाई जायज है, छेड़पानी कर लो हमसे, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, तो काहे के लिए करते हैं भगवान जाने भाई, ऐसे लोग आते कहाँ से हैं समझ भी नहीं आता भाई, क्यों ऐसे भावना रखते हैं दूसरों के प्रति, है ना। और गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है क्योंकि अभी धूला नहीं है, बारिश हुआ था तब से। वैसे मेरा गाड़ी ही ना सारा गाड़ी धूला रहता है, बाइक से लेकर सारे चीज़ हमारे घर में, और मैं ना मेरे एक साफ़ सुथरा चीज़ वो प्रयोग करने में अच्छा लगता है, मतलब गाड़ी गंदा रहेगा तो मैं नहीं जाऊँगा ऐसा बोलने वाला हूँ, लेकिन आज मेरे को शूट करना ज़रूरी था, कल के जो गम में था ना तो मेरे को आज वीडियो बना के डालना बहुत ज़रूरी था। वैसे शाम हो गया है देख सकते हो, टाइम हो रहा है 6:30, आधा घंटा हो गया मेरे खाने के बाद। Full speed and then hand brake. No, no, drift, okay? काफी हो गया है और भाई लोग पागल हो गए थे मेरे देख के, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके स्टन विस्टन करके। तो ऐसे ही बनाता था मैं, ईट में रख के पैसा वीडियो बनाता था, कहाँ पैसा बोल रहा हूँ सकते हो। जैसे तैसे मैं बातचीत भी कर लिया दोस्तों लोग से यहाँ पे आके, यहाँ पे अक्सर आके मैं बातचीत कर लेता हूँ मस्त। तो शाम हो गया है, चलो चलते हैं हम घर, घर में जाके आगे बात करते हैं, पता ही नहीं चलता शाम हो जाता है 5 बजने के बाद, जस्ट अंधेरा हुआ देख सकते हो। भाई लोग बोल रहे होंगे पागल हो गए हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके करके, चलो जस्ट चलते हैं अब। तो मैंने अभी जो किया वो आप बिल्कुल मत करिएगा अपने गाड़ी के साथ, खासकर ऊंची गाड़ी के साथ तो बिल्कुल ही मत करिएगा, क्योंकि उसमें ना ज़्यादातर
पलटने का ज़्यादा चांस रहता है। अगर यहाँ पे ऐसे मुरूम वुरूम नहीं रहता तो बिल्कुल चांस रहता है। अब सीधा मंदिर में जाके मिलते हैं। अब इतना देर से गाना वाना सुना नहीं हूँ, घूमने आया हूँ तो बूफर लगाया हूँ, थोड़ा बहुत दिन हो गया, सुनूंगा गाना वाना फिर। बेस सुन रहे हो? बेस अभी फूल नहीं हुआ है दोस्तों। सकते हो रोड बनना चालू हो गया है, जस्ट मेरा गांव है इसके बाद, मतलब ये भी गांव ही नहीं आता है गाता पार में। और ये मंदिर हम पहुंच गए हैं, चलिए उतर के दिखाते हैं। बहुत अच्छा ही सजा है देख सकते हो, तो ये देखो तो चलिए पूजा वूजा करके आते हैं, जल्दी बन जाइए फिर यहाँ पे बनाना चाहूंगा मैं ऑफिस जल्दी से आप लोग के सपोर्ट से लेकर। तो मंदिर से तो आ गए हैं, नीचे थोड़ा बातचीत चल रहा था तो मैं ऊपर नहीं आया था, अभी ऊपर आया। अब ये ड्रिंक और नाश्ता कर रहा हूँ, मैं जैसा पे खाना पकता है चलता है। तो ये मेरा फेवरेट है ये स्प्राइट, इसको मैं खाने के बाद आपसे पेपर भी चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट पेपर हिंदी साहित्य है जो कि 6 तारीख को है, इसलिए थोड़ा गैप था। तो मैं अभी नाइट में पढ़ता हूँ अगर जगह रहता हूँ तो। खाने में क्या सब्जी है देखते हैं जरा, तो बैंगन भरता बना है दोस्तों, तो इसमें रोटी अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो।